हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 22 अप्रैल 2019 है, मंडे का दिन है और आज यस बैंक पे अपडेट लेके आया था। यस बैंक 245 के एक अच्छे लेवल को तोड़ा है उसने और नीचे की ओर गया है, तो 235-236 पे इसका सपोर्ट है, वहीं पे इसने सपोर्ट लिया है। लेकिन जो वॉल्यूम ट्रेंड दिख रहा है और जो इससे दिख रहा है, उससे लग रहा है कहीं ना कहीं ये एक बार 220 की ओर जाते, 210 की ओर जाते हुए दिख सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर यहाँ पे आप आज देखें, आज 22 अप्रैल 2019 को क्या हुआ, ये ओपन 237 पे हुआ, हाई इसका 254 का था। तो जहाँ पे इसने ओपन हुआ 253-295 पे, फिर ऊपर गया और वहाँ से सीधा फॉल एक अच्छा खासा दिखाते हुए नीचे की ओर आया, 237 का लो लगा दिया और 235-236 पे जहाँ पे इसको सपोर्ट था, ये वहीं पे लेकर के आप देखेंगे इसको। तो डेली बेसिस पे अगर इसको जा करके देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको 236 की ओर आपको सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। तो वहीं पे इसने सपोर्ट लिया और वहाँ से एक बार ये ऊपर जाते हुए ऊपर की ओर गया और वापस फॉल की ओर आया। तो यस बैंक में अगर देखेंगे सेंटीमेंट, तो 73% सेंटीमेंट जो है वो है आपका बाइंग का है। डिलीवरी परसेंटेज देखें तो 29-30% का है। अगर होल्डिंग परसेंटेज देखें प्रमोटर की तो 19.82 है, प्लीज 3.64 रखा हुआ है। एफआई बाइंग कर रहे हैं इसको 36% से 40%, वापस 42 था तो लो गए थे, वापस एफआई इसमें अंदर आ रहे हैं, एफआई वापस अच्छी पोजीशन बना रहा है इसको। अगर रिकमेंडेशन की बात करें तो 356 पे देखेंगे आप, यहाँ पे रिकमेंडेशन है। 320 पे निर्मल बैंक का है, फिलिप्स कैपिटल का 300 है, तो किन्हीं सभी का 350-356 का रिकमेंडेशन है, जो कि यहाँ से कम 100 रुपया और ऊपर आपको जाते हुए दिखे तो 150% यहाँ से भी ऊपर जाते हुए आपको दिख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर चाहें तो इसको बाय के रूप में 200-210-205 पे जाए तो आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको ले सकते हैं और इसको बाय करें अपने पोर्टफोलियो में, और 300 के अराउंड जाते हुए जब जाए, 290 पे एक अच्छा सपोर्ट है इसको, तो 290 तक जाते हुए जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर एनएससी में देखें आज क्या डाटा बना है, तो आप देखेंगे 22 अप्रैल को 3,74,00,000, आप 18 अप्रैल को भी देखेंगे तो 3,24,00,000 के साथ, तो 298 वॉल्यूम वेटेड एवरेज था, उससे कहीं नीचे जाकर 255 पे क्लोज दिया है। और आज तो और भी वीकनेस दिखाया, 244 का 238 का वीकनेस दिखाते हुए आज 3,74,67,000 का वॉल्यूम ट्रेडेड हुआ, 1,17,54,000 की डिलीवरी ली गई है। मींस डिलीवरी बेस्ट सेलिंग दिख रही है आपको और वॉल्यूम प्राइस भी फॉल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक वीकनेस दिख रहा है, जो कि हो सकता है कि आपको 200 की ओर जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 200 पे 4,88,000 का इसका बहुत अच्छा डेरिवेटिव में सपोर्ट है। ये यस बैंक है, आज की क्लोजिंग 238 है 22 अप्रैल का, 25 अप्रैल की एक्सपायरी है, इधर पुट है इधर कॉल है, तो 238 पे देखेंगे तो एट द मनी क्या हो रहा है 230 पे, तो 8,750 से पोजीशन यहाँ पे बन रहा है और इसको तोड़ा जा रहा है। उसके ऊपर देखिए 250 पे 31,78,000 से इसके शेयर पॉइंट्स के साथ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के साथ इसको तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे 11,28,000 से 240 पे, तो 240 तो अभी क्रॉस नहीं करने वाला है यहाँ के पोजीशन के अंदर, क्यूमलेटिव है 39,28,000, तो कहीं ये टूटेगा नहीं। वो नीचे की ओर जाए तो 230 पे आपको देखेंगे तो ये क्लोजिंग दिया है 238 का, तो 230 पे एक अच्छा सपोर्ट दिखता है 11,00,000 का। लेकिन जिस तरह से आज 2,88,000 और 3,60,000 का वॉल्यूम हुआ और 1,24,000 का हो रहा है 210 पे, तो इससे नीचे की ओर थोड़ा सा फ्री फ्लो है, तो सपोर्ट होता है तो नीचे की ओर चला जाएगा। और आप देखेंगे 250 से यहाँ 240 से भी अनवाइंड हो रहा है, 240 से ऊपर अनवाइंड हो रहा है, नीचे की ओर पोजीशन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग नीचे की ओर 200 तरफ जाते हुए इसको शायद देख रहे हैं। हो सकता है इसको 200 के आसपास इसको सपोर्ट मिले, तो एक नीचे की ओर 200 पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में हम इसको देख सकते हैं। यस बैंक को एक चीज ध्यान देखिए कि इसका जो RSI है डेली बेसिस पे ऑलरेडी 37% हो चुका है, तो यहाँ से जो फॉल दिखा सकता है ऑलरेडी आपको यहाँ से और 15-13 है, 20 पॉइंट के आसपास ये फॉल और दिखाएगा, तो दिखाएगा मतलब 200 के बाद ये ओवरसोल्ड कैटेगरी में चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं वापस आपको इसमें बाइंग आते हुए दिख जाएगी, वापस 245-50 की ओर जाते हुए दिखेगा आपको। तो इस पे कहीं ना कहीं आप एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी ग्रुप में अभी तो
तो वीकनेस है, दिख रहा है वीकनेस, तो इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे 240 जो 235 देखिए, 235 इसका जो कि 100 दिन का डेमा है, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला है 235 पे, यही लाइन है 235 का, तो इसको कहीं ना कहीं 235 पे सपोर्ट मिला जो 100 दिन का डेमा है। और अगर इसको अभी तोड़ता है ये तो वापस 240 की ओर जाए तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। और यहाँ पे भी आपको देखेंगे इसका भी जो सपोर्ट था इसका 233 के आसपास है, तो 233 के पास आप यहाँ पे इसका भी सपोर्ट 21 दिन का डेमा है 236 का, इसको भी ये 238 पे है, अभी यहीं पे एक सपोर्ट लिया हुआ है। और अगर वीकली बेसिस पे इसको तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इसको जा करके यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर मैं इसको हटा दूं एक बार, अगर मैं इसको पॉलिमर वर्ड से देखने की कोशिश करूं तो इसका जो ये मिड पॉइंट है ये है 220 के आसपास, तो कहीं ना कहीं 220 के पास आपको ये सपोर्ट लेते हुए दिखेगा, तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, क्योंकि वहां से ऑलरेडी ये ओवरसोल्ड कैटेगरी में भी जा रहा है, तो 220 भी तोड़ता है तो आपको 200 की ओर कहीं ना कहीं जरूर आपको सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। और डेली बेसिस पे देखिए तो ये ऑलरेडी अपने बोलिंगर बैंड के लोअर लेवल को 244 को तोड़ के नीचे की ओर जा रहा है। वॉल्यूम में भी एक अच्छा है, वॉल्यूम भी अच्छा दिख रहा है, मीन्स वॉल्यूम के साथ प्राइस का फॉल दिख रहा है, तो वीकनेस तो है। तो आप दो काम कर सकते हैं, आइदर इसको जब ये नीचे जा रहा है तो आप 200 के अराउंड इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में लेंगे। एमएससीडी लाइन को भी देखेंगे तो एमएससीडी लाइन भी देखिए यहाँ पे क्रॉस करते हुए नीचे की ओर जा रहा है, तो लगता है कि ये 210-220 की ओर जाते हुए आपको दिखे तो कोई बहुत बड़ी सरप्राइज नहीं होगी। अगर ये किसी कारण से 190 का लेवल तोड़ता है तो वीकनेस आएगी, 160 तक आपको टेस्ट करा सकता है, लेकिन मैं इतना नेगेटिव नहीं हूँ। मुझे लगता है कि इसमें मेरा ओपिनियन है कि ये 220 के आसपास वापस 210-220 के आसपास वापस ऊपर ले लेगा, तो वापस 245-265 की ओर जाता हुआ आपको दिख सकता है। तो यस बैंक में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको देखें, और अगर डेरिवेटिव पे देखने की कोशिश करें तो डेरिवेटिव पे देखें तो आपको अगर यहाँ पे देखें 200 का पुट जो देखें, इनफैक्ट 230 का पुट 2.85 रुपये पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस है एट द मनी, और इसको अगर डिटेल में जा करके देखें तो आपको पता चलेगा ये 45 पैसे का लो था और 285 का हाई बनाता है, हाई 315 का हाई की ओर ही क्लोज रहता है। और आज आप देखेंगे तो 34% का ओपन इंटरेस्ट है, 1750 का लॉट साइज है, और आज इसमें पोजीशन देखिए 1,74,500 का बाइंग पे खड़ा है, 1,50,000 का सेल पे खड़ा है। मीन्स पुट की ओर अगर देखें 25 अप्रैल की एक्सपायरी 230 का, तो यहाँ पे क्या वॉल्यूम के साथ लोग पुट की ओर खड़े, तो कहीं ना कहीं आपको 210-220 की ओर जो सपोर्ट है वहां लेते हुए आपको जाके दिखा सकता है, तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन मेरे लिए ये 200 के अराउंड बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में मैं इसे देखूंगा, मुझे लगेगा ये अगर इसे बाय करना ज्यादा बेहतर, अगर नीचे जाता तो फिर इसको एवरेज करके और 160 जाता तो वहां पे और अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए रहेगी बाइंग के लिए। लेकिन वापस ये कैंडिडेट बन जाएगा आपको 245-265-300, तो वहां आपको जब रिकमेंडेशन देखेंगे वहां पे आपको अफसोस होगा कि हमने इसको छोड़ दिया, जब 356-329 का रिकमेंडेशन देखेंगे तो वहाँ लगेगा बाद में छूट गया ये, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ यहाँ बने रह सकते हैं। लेकिन इंट्राडे के लिए ये एक वीकनेस है, 244 के जगह 238 पे ये क्लोजिंग दिया है, एक वीक सिग्नल है, 220 की ओर जाता हुआ आपको दिख सकता है। यस बैंक में मेरा कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अगर कोई बाय सेल करना हो तो स्टडी करें, जज करें, खुद देखें, वॉच करें, और फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही मार्केट में कोई पोजीशन होना। ये मेरा सिर्फ ओपिनियन है कि हो सकता है ये नीचे की ओर जाए इंट्राडे पर्पस से, बट ये स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है इसका, तो वहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकता है ये, तो नीचे जब फॉल करता है तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी रूप में इसको देख सकते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है रिजल्ट में कुछ इसका तनाव है या रिजल्ट कुछ खराब आने वाला है, हो सकता है उसका इम्पैक्ट भी आपको अभी दिखने को मिल रहा है, तो रिजल्ट ओरिएंटेड न्यूज भी होगा, तो हर पल जैसे आपको जेट एयरवेज में फायदा हुआ होगा अगर आपने लिया होगा, अगर यस बैंक में जेट एयरवेज पे मेरे वीडियो को देखने के बाद अगर ओपिनियन बनाया होगा तो आपने देखा था जब मैं बोला था 126-125 के नीचे जो सपोर्ट है वहाँ जाता है, बाय लीजिए, अगर बाय अपॉर्चुनिटी करते हैं तो आज ही आपको फायदा हो गया होगा।
तो वैसा ही व्यू इसमें भी है, यस बैंक में भी। अगर ये नीचे जाता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको देखना चाहिए, या आपको वन डे में आपको ऊपर की ओर जाता हुआ दिखे तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। चूंकि बैंक निफ्टी भी फॉल हो रहा है तो उसके कारण हो सकता है इसमें भी प्रेशर होगा, तो बैंक निफ्टी जब ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा, और हो सकता है ये नेक्स्ट बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने में सहायक भी कर सकता है। तो वैसा ओपिनियन, फिर भी मार्केट में आप अपनी पोजीशन को देखें, वॉच करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, जज करें, स्टडी करें, और फिर मार्केट में कोई पोजीशन लें। मेरा कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।